भाजपा नगर उपाध्यक्ष रितेश कपूर की ओर से खंडवा के लाडले सरल सहज लोकप्रिय विधायक माननीय देवेंद्र वर्मा जी को जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। खंडवा के नागचून रोड हेमतपुर खेगांव से पहले रोड पर कल एक किसान के साथ में बड़ी लूट की घटना हुई है। हम आपको बता दें कि नागचून रोड अहमदपुर खेगांव रोड पर एक किसान खंडवा से फसल बेचकर अपने घर की ओर जा रहा था, उसी दौरान चार अज्ञात व्यक्ति कार लेकर आए, उसे रोककर पैसे छीन लिए और उसे भी लेकर चले गए। पुलिस मौके पर पहुंची, सीसीटीवी कैमरे खंगालने में लगी हुई है। हम आपको बता दें कि अहमदपुर खेगांव के पास बने पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरे खंडवा पुलिस द्वारा खंगाले जा रहे हैं। एक घटनाक्रम ऐसा हुआ है कि जिसमें मंडी से निकलने के बाद जो है अपने दामाद को फोन किया कि उसको कुछ लोगों ने पकड़ रखा है, और इसके बाद हमारे पास जैसे भी पुलिस की रिपोर्ट आई तो हमारी पुलिस की सारी टीमें इस पर भी काम कर रही हैं, सीएसपी से लेकर सारी टीमें काम कर रही हैं, और हमारी जो तकनीकी साक्ष्य है उस पर भी हम काम कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं जल्दी ही सर का खुलासा। ये सनावत में दुधवाड़ा है, वहाँ का एक है ना अर्जुन पिता भागी यादव हैं, ये अपनी फसल बेचने के लिए आए थे। तो इन्होंने फसल बेचने के बाद ये यहाँ से जब जा रहे थे तो नागचून के आसपास इनके एक छोटे जवाई का ऐसा कहना है इनका फ़ोन आया था, तो इनके साथ में किसी ने पकड़ लेना की कुछ बात बताई है और उसके बाद से ये मिसिंग है। तो पुलिस ने भी मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट ना दर्ज की है, अपराध भी चूँकि पंजीबद्ध कर लिया चूँकि कंटेन इस टाइप के 365 का। अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन में लगे हैं, देखो कुछ निकलेगा तो बता। कुछ पैसा वैसा भी था मैडम? हाँ, इसके पास पैसा था 78,000 के आसपास, जो फसल बेची थी उसका पैसा था। तो इसलिए हमको संभावना है कि पैसे के लालच में या जिस भी वजह से इनके किडनैपिंग हुई हो और इनके साथ कोई दुर्घटना ना हो गई हो, इस पर्पज से थोड़ा सा पुलिस हाईली एक्टिव होकर इस पर काम कर रही है। जल्द आपको बताएंगे। मोबाइल में कुछ